वर्तमान जो अंत्योदय पूर्व के राशन कार्डधारी 44.4 और वर्तमान में जो आज अंत्योदय के राशन कार्डधारी हैं सभी को आधार नंबर के माध्यम से सभी को स्वास्थ्य की सेवाएं 5 लाख तक की उपलब्ध कराने का बड़ा निर्णय लिया है और साथ ही साथ इस योजना का नामकरण डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के स्मृति में लिया गया है। जो संजीवनी थी उसे संजीवनी प्लस माने उसको बढ़ा के जो उसकी सीमाएं थी 20 लाख रुपए तक के इलाज की का निर्णय कैबिनेट ने लिया है और इस कार्यक्रम को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना नामांकित किया गया है और 6 योजनाएं विभिन्न विभिन्न नामों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में संचालित थी इनको एकीकृत करके डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना नामांकित करके इसमें मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, बाल हृदय स्वास्थ्य बीमा योजना, श्रवण चिरायु योजना, श्रवण योजना, विभिन्न 6 योजनाएं जो चल रही थी, संजीवनी योजना, ये सब को एक करके और डॉक्टर खूबचंद बघेल को समर्पित करते हुए ये योजना छत्तीसगढ़ में लागू की जाएगी। हेल्थ यूनिवर्सल हेल्थ केयर एक परिकल्पना है, ये योजनाएं हेल्थ यूनिवर्सल हेल्थ केयर तक पहुंचने के लिए ये बहुत बड़ी घोषणा आज कैबिनेट ने की है, निर्णय लिया है कि 20 लाख रुपए तक का चिन्हांकित बीमारियों के लिए राज्य सरकार राशि उपलब्ध कराएगी और समस्त अंत्योदय राशन कार्डधारी और उनके साथ जो गरीबी रेखा में माने गए 1 रुपए वाले राशन कार्डधारी सबको 5 लाख रुपए तक की सीमा का इलाज का इसमें वर्तमान में बजट 845 करोड़ उपलब्ध है, हम लोगों ने एक भी नया पैसा एक्स्ट्रा अभी नहीं मांगा। कब से हो जाएगी लागू ये इसको देखना पड़ेगा कि लॉजिस्टिक्स 1 जनवरी से होगा, डेट आपको अनाउंस कर दे। माननीय शिव डहरिया जी ने अपने विभाग से 50 लोगों की भर्ती के लिए रायगढ़ में जहां विशेष बात आई थी वहां पर मैन पावर अतिरिक्त दिया था जो शायद कहीं नहीं उपलब्ध कराया होगा, तो विशेष एक प्रावधान साफ सफाई के लिए उसमें किया गया है और सतत निगरानी और बाकी जो प्रक्रियाएं हैं वो की जाएंगी। जैपनीज एंसेफेलाइटिस के लिए जो सुकमा जिला बहुत ज़्यादा प्रभावित होता था, इस वर्ष शासन ने 70,000 करीब इनोकुलेशन इंजेक्शन टीकाकरण करके वहाँ ये जो सेवा उपलब्ध कराई है, तो सुकमा से एक भी मृत्यु की जानकारी जैपनीज एंसेफेलाइटिस से नहीं आई, अन्य विकास खंडों से आई है तो उसमें भी अगले साल बढ़ाने के लिए विचार होगा। For more information, log on to www.clips.in.